आ चुके हैं अपन मेन रोड में। ये सीधी रोड जाती है रामपुर, ये साईं बाबा का मंदिर है, हमारे यहाँ का बिग बाजार। आपको ये त्रिगड्ढा याद रखना है। ये है कुछ शॉट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जा रहे हैं मेरी सुकून वाली जगह, जैसे कि आप थंब टाइटल देख के आए होगे ये वीडियो। तो आज अपन जा रहे हैं मेरी सुकून वाली जगह। सुकून वाली जगह ऐसे है कि मेरे को वहाँ सुकून मिलता है, मैं वहाँ बैठता हूँ जब मैं अकेला रहता हूँ या कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो मैं वहाँ जाके बैठता हूँ। तो आज का ब्लॉग वहीं के ऊपर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाइक निकालते हैं और चलते हैं अपन खारी घाट की तरफ। उसका नाम है खारी घाट और मैं आपको रूट बताऊँगा कि वो कहाँ से पड़ेगा। आपको अच्छी लगे प्लेस तो आप भी वहाँ जाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस आ चुके हैं अपन मेन रोड में, ये सीधी रोड जाती है रामपुर और यहीं से अपन चलेंगे सीधा वारी घाट के लिए। रोड यानी रामपुर रोड यानी वारी घाट ही रोड, सीधी रोड यही जाती है। तो गाइस वो मेरी सुकून वाली जगह इसलिए है कि मेरे को वहाँ पे बैठना और अकेले रहना, यानी जब मैं अकेले रहता हूँ मेरे को वहाँ बैठने में बहुत अच्छा लगता है और थॉट भी वगैरह अच्छे आते हैं। वैसे आप भी आ सकते हो जबलपुर के हो तो, जबलपुर के बाहर के हो तो आप भी आ सकते हो, आप भी पधारे हमारे यहाँ वारी घाट में। है पूरा वारी घाट, बस खारी घाट है, वो नाम अलग अलग है, बाकी आपको वही पूरा जोड़ा हुआ मिलेगा। वारी घाट से थोड़ा ही सा आगे है वो, ज़्यादा आगे नहीं है। मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि वारी घाट कितना है, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये मेट्रो भी जाती है, जबलपुर से बाहर का कोई बंदा देख रहा है कि यहाँ आना है तो आप डायरेक्ट वारी घाट के लिए बैठ सकते हो मेट्रो में, स्टेशन आके वहाँ से डायरेक्टली बैठ जाओ वारी घाट के रूट पर, और वारी घाट से सीधा, वारी घाट से आपको पहले उतरना पड़ेगा, लेकिन वारी घाट से सीधा नहीं, वारी घाट सीधा जाओगे तो वारी घाट ही पहुंच जाओगे। हरी घाट जाना है तो उसके पहले उतरना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वाली रोड कहाँ से आपको मुड़ना पड़ेगा, तो फटाक से चलते हैं अपन। गाइस ये साईं बाबा का मंदिर है, यहाँ के भी आप बोलोगे तो व्लॉगिंग बना दूँगा। बेस्ट मंदिर है वो भी, पहले वो पीछे था, अभी ये नया बनाया गया है। ये मंदिर पहले से बहुत अच्छा बन चुका है गाइस। यहाँ पे गुरुवार आओगे आपको बहुत भीड़ मिलेगी और शायद तक भंडारा भी मिल जाए आपको साईं बाबा का। तो गाइस ये अपन आ चुके हैं बादशाह हलवाई मंदिर, दिख रहा होगा ये है गाइस। ये यहाँ पे है ऊपर एक मंदिर, यहाँ ऊपर जाना पड़ता है, यहाँ साइड से सीढ़ी है, देख रहे होंगे आपको, आपको दिख रहा होगा ऊपर है मंदिर। ये है हमारे यहाँ का बिग बाज़ार, किसी को डोमिनोज खाना हो तो आ सकता है। हमारे यहाँ का बेस्ट बिग बाज़ार एक है, ये एक मॉल और एक संदड़िया मॉल है। संदड़िया मॉल वो पीछे पड़ता है, सिटी साइड है, वो बस स्टैंड में पड़ता है। हमारे यहाँ नाम के दो ही मॉल है, एक बिग बाज़ार एक संदड़िया। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से बहुत पास में है, कम से कम होगा तो 2 किलोमीटर रेंज के अंदर ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं सिटी के ही अंदर से हूँ इसलिए मेरे को पास पड़ता है, कोई और आता है तो उसको थोड़ा सा दूर पड़ सकता है। आपको ये त्रिगड्ढा याद रखना है, देख सकते हो आप पूरा त्रिगड्ढा। यहाँ पर पहले छोटी लाइन फाटक था, अब हटा दिया गया है। ये यहाँ पे रुक जाना आप मेट्रो से आ रहे हो तो, और बाइक से आ रहे हो तो मेरे को फॉलो करते जाना। मेट्रो से उतरने के बाद आप आ सकते हो, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल पैदल भी आ सकते हो। यहाँ से एक मंदिर के लिए और रोड जाती है, यहाँ से प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। गाइस आपको घाट दिख रहा होगा नीचे, आई होप ये है वो घाट, बस देख सकते हो
गाइस व्यू देखो, व्यू यहाँ से व्यू देखो सबका, वो है वारी घाट, वो उस साइड पे पड़ेगा पूरा वारी घाट, वारी घाट वो साइड पड़ेगा, यह है सिद्ध घाट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सुकून वाली जगह, इसलिए बोला था आप नीचे चलो, पहले आपको फिर दिखाता हूँ, पहले मैं कैमरा स्विच कर लूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो अपन पहुँच चुके हैं मेरी फेवरेट प्लेस, जैसे आप देख पा रहे हो कि पूरे पीछे सीढ़ी है। आज तो मैंने हेलमेट उतार लिया, उस दिन तो मैं उतार ही नहीं पाया था। ये रहा हेलमेट और ये रहा बैग, देख सकते हो। हाँ, तो आज बहुत बहुत ज़्यादा धूप है क्योंकि मैं टाइम इस टाइम पे आया हूँ, 2:30 बजे के टाइम आया हूँ, देख सकते हो आप। यहाँ पे यानी प्लेस बहुत अच्छी है, देख सकते हो आप, बैठने के लिए भी बहुत स्पेस है। और शाम के टाइम आओ यहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यू आता है गाइस। और बाकी आप आओगे ये प्लेस तो आपको समझ में आएगा व्यू। बाकी बैठने का आप देख रहे हो पीछे इस टाइप का है, तो गाइस देख सकते हैं आप व्यू, बहुत गजब का व्यू है, देख सकते हो आप। ये यहाँ पे अपनी वो खड़ी है, अपनी बाइक देख सकते हो, वो खड़ी है वहाँ पे, बहुत छोटी दिख रही है। यहाँ पे सीढ़ी आपको नीचे उतरना है और यहाँ पे एंजॉय करना है। समर के टाइम आओगे तब भी बहुत एंजॉय कर लोगे, और अकेले भी आओगे तो बहुत एंजॉय कर लोगे गाइस। रात में बैठने में यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, ये साइड में पानी के पास ये पूरा वारी घाट है गाइस, पूरा देख सकते हो आप। मैं वो वाले मंदिर की बात कर रहा था, वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं धूप के कारण, वो वहाँ पे है, वो वाले मंदिर की गाइस बात कर रहा था। बाकी देख सकते हो गाइस बहुत बेस्ट व्यू है, यहाँ पे आके बैठो, वो वहाँ पे वो प्लेस दिख रही है, वहाँ पे बैठो पैर डाल के पानी में आराम से। ये अपने भोलेनाथ जी, जो भाई भोलेनाथ का भक्त है वो ज़रूर आए, देख सकते हो, जय हो भोलेनाथ की। बस ये देख सकते हो, ये शिव जी ये हैं, बाकी अपने हनुमान जी, और गाइस ये है वो प्लेस, देखो गाइस कितनी ऑसम प्लेस है, मेरी सुकून वाली जगह। देख रहे हो गाइस वो उस साइड देख पा रहे होगे, वो वहाँ पे है, देख रहा होगा आपको छोटा छोटा, वो वहाँ पे है, वो पूरा वारी घाट कहलाता है। आप बोल रहे तो मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। आप देखो बहुत असम भी हुआ है, ये मेरी एक तरीके से फेवरेट प्लेस है गाइस, मैं कहीं आऊँ या ना आऊँ यहाँ पे ज़रूर आता हूँ, वो भी अभी से नहीं, 10th से आ रहा हूँ मैं, 10th के पहले से ही आ रहा हूँ, 6th-7th क्लास से फ्रेंड के साथ। देख सकते हो गाइस यहाँ प्राइवेट जगह भी है, कपल्स हो तो आप बैठ सकते हो आके यहाँ साइड में, देख सकते हो बहुत सारी जगह है, कहीं पे भी आप बैठ सकते हो, यहाँ पे कोई रोका टोके नहीं है। देख सकते हो गाइस बहुत बहुत अच्छे लोकेशन है। बाकी मैंने आपको रोड बताया हूँ, आप जबलपुर से हो तो जबलपुर से हो आप तो डायरेक्टली आ सकते हो, आपको तो पता ही होगा, और जो जबलपुर के बाहर से हैं वो आना चाहें तो आ सकते हैं, मैं आपको लोकेशन बताया हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जबलपुर रेलवे स्टेशन आना है, रेलवे स्टेशन से मेट्रो पकड़नी है गौरी घाट के लिए, गौरी घाट से पहले आपको उतरना है, ये घाट पड़ेगा आपको। गाइस आपको प्लेस पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, मैं आपको जबलपुर की बेस्ट से बेस्ट लोकेशन दिखाऊंगा। और मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, यहाँ पे भी मेरे पास ड्रोन होता तो आपको मैं बहुत अच्छा यानी व्यू दे सकता था, देख सकते हो गाइस। वीडियो में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ की लोकेशन। ये हैं कुछ शॉट, आप इन्जॉय करो, आई होप कि आपको पसंद आएंगे ये शॉट। देखने के बाद फिर अपन यहाँ से कुछ बात करेंगे और फिर निकलेंगे।
इन्जॉय किया। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा मेरी फेवरेट प्लेस। आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने चाहत भाई का चैनल है भाई सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। और जबलपुर से हो भाई तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, भाई सपोर्ट दिखाओ, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी पुरानी वीडियोस किसी ने नहीं देखा हो तो आई बटन में जाके देख सकता है, आई बटन में मैं टैग किया हूँ पुरानी वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।